वेलकम अगेन। और बात हो रही है आपकी हड्डियों की दर्द की, हड्डियों के दर्द की। और ऑफ कोर्स जब ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हो तो फिर क्यों ना हम उससे अवेयरनेस हम हासिल करें। तो यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब। अगेन वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात हो रही है कि मतलब लोअर बॉडी पेन का, हड्डियों में, चाहे आप घुटनों में कहें, टांगों में कहें, आप अपनी फिंगर्स में दर्द, क्योंकि लोगों की होती है, पाँव एड़ियां रखने में बड़ा तकलीफ होती है। ये एड़ियों के दर्द को हम क्या कॉल करते हैं, या हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, या खासतौर पे जो लोग बहुत ज्यादा आयरन करते हैं उनकी एड़ियों में, या जो सैलून में लड़कियां खड़ी होती हैं उनकी एड़ियों में दर्द होता है, इस दर्द को हम क्या कहेंगे? अगर जो आपने अभी मुझसे एंकल जॉइंट की दर्द बात की जी कि एड़ियों के अंदर उनका दर्द होता है, तो इस एड़ी की इस दर्द की एक बड़ी खसूसियत है, क्योंकि हर बीमारी अपनी एक सांचे में डली हुई होती है। तो जो आपने बात की उसके अंदर यह कि जब एड़ी का दर्द है, जिस वक्त सुबह नींद से बेदार होते हैं तो एड़ी ज़मीन पर नहीं लगती, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि ज़िंदगी की रफ्तार कुछ बेहतर हो जाती बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक बोनी और आउटग्रोथ हो जाती है। बोनी आउटग्रोथ होने जाने की वजह से उसका सराउंडिंग टिश्यू में उसके लग जाने से सोजिश पैदा हो जाती है, और ये जो सोजिश उसको हुई होती है ये इसको दर्द कर रही होती है। जब वो चलती फिरती है तो सोजिश की वजह से जो फ्लूड वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट यह है कि अगर बड़ा आसान से अगर करना चाहें तो ये कहे कि आप 4 फुट पे खड़े होकर अपनी एक्सरसाइजेस करें, पैर की एक्सरसाइजेस 4 फुट के ऊपर खड़े होकर इस तरह से एक्सरसाइजेस करें। और दूसरी ये बात है कि एक इतना बड़ा कटोरा ले लें जिसमें बर्फ़ जमा लें, और बर्फ़ जमाने के बाद ये एड़ी का वो हिस्सा जो बहुत पेनफुल है उसके ऊपर रख दें। उस वक्त तक रखे रहें जब तक आपसे ठंडक बर्दाश्त होती है, और जब देखें कि ठंडक बर्दाश्त नहीं होती तो फिर उसको हटा लें, और फिर जब वो नॉर्मल महसूस करें तो फिर उसके ऊपर रख दें। ये आधे घंटे की प्रैक्टिस जो है ना सुबह शाम करें, और कम से कम 15 दिन तक करते रहें, और मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी हद तक आपके अंदर बेहतरी आ जाएगी। फिर भी नहीं आए तो फिर वो डॉक्टर का सहारा लें, वो फिर आपको खुद ट्रीट करेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जो बोनी ग्रोथ है इसका ना तो कोई ऑपरेशन होता है और ना इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी खसूसियत यह है कि जब इसको काट के ऑपरेशन करके काट के भी निकालेंगे तो फिर उसके बाद उससे बड़ी बन के आ जाएगी, फिर ऑपरेशन करेंगे फिर निकाल देंगे दोबारा उससे भी बड़ी बन के आ जाएगी। तो लिहाजा ऑपरेटिव प्रोसीजर इसके लिए कुछ फेल सा है, तो इसके लिए इसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करना पड़ता है, और कंजर्वेटिवली काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। इसके साथ साथ जो है ना आपकी एड़ी के पीछे भी जो यानी कि हमारी मोटी सी रस्सी जाके उस एड़ी के साथ अटैच होती है उसके बीच, उसमें भी वहाँ दर्द होती है, तो वहाँ पे भी एक वजह यह कि बोनी आउट ग्रोथ भी हो गई होती है, या इन दो वो रस्सी को और हड्डी का मिलाप के अंदर एक अल्लाह पाक ने लुब्रिकेटिंग डिवाइस की रखी हुई है, और वो डिवाइस जो है हमारी लुब्रिकेशन करने से, फ्रिक्शन से हमें बचाती है, तो उसको बर्साइटिस कहेंगे, बर्साइटिस ऑफ द टेंडो एकलिस। Okay. तो ये भी कभी कभी हो जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक थे, या मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, और अचानक 5-7 साल के बाद इसकी टांगों में दर्द हुआ और उसके बाद ये पैरालाइज हो गई। अच्छा, ये पोलियो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि डॉक्टर साहब की एक नॉर्मल बच्ची या बच्चा है 8-10 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में, तो अचानक जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके अंदर दिमागी तौर पे कुछ कमजोरी या कुछ एरिया जो है डिफेक्टिव हो जाते हैं, और वो जो है उनकी कमजोरी का बायस बनते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये मैंने देखा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है इन बच्चों में टांग की दर्दों का बायस। लेकिन ये ट्रीटमेंट हो सकता है? ट्रीट कर देते हैं अगर यानी कि उनको विटामिन डी दिया जाए, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके ब्रेन की है उसके लिए कम से कम उसको न्यूरोफिजिशियन जो है ना वो बेहतर ट्रीट कर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे ये भी कहा कि हम लोग इसको कोई दाना था 7 साल की उम्र में और ये ट्रीटमेंट करवाने गई और इनको कोई इंजेक्शन वगैरह लगा उसके बाद ये पैरालाइज हो गई, ऐसा क्या होता है कि कोई नस उनसे ऑपरेशन सही नहीं होता, क्या प्रॉब्लम? देखिए, इंजेक्शन लगाने के भी पर्टिकुलर साइट्स होती हैं, उस पर्टिकुलर साइट्स के अंदर अगर आप लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप आउट ऑफ द वे उस पर जाएंगे तो फिर होगा। होता यह है कि जैसे आपकी एक बटक है
तो पटक को उसको चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमेशा इंजेक्शन लगाएं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उससे बाहर जाएंगे तो आपने शेटिक नर्व एक वहां होती है, अगर उसी पर यानी कि इंजेक्शन लगा दिया तो पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हमारे हाथ के अंदर भी हमारा एक ट्राइंगल बना लें ऊपर यानी कि दोनों के दौरान, उस ट्राइंगल के अंदर अगर आपने इंजेक्शन लगाया डेल्टॉइड के अंदर तो आप यानी कि महफूज रहेंगे, अगर उसे हटके पीछे हटके या कमीज के ऊपर से पीछे लगा दिया तो उसकी एक रेडियल नर्व आती है वो डैमेज होती है, और वो डैमेज इस तरह से हो जाती है कि उसका हाथ हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है, फिर आप उसको उठाना भी चाहें तो नहीं उठता और उसकी रिपेयर मुमकिन नहीं होती, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि नीम हकीम खतरा है जहां कि किसी ऐसे के पास ना जाए कि वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। और फिर हमें ये जो एक आदत है ना जी कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लगा दें, कभी भी ना लगवाएं, क्योंकि इसके बारीक से फाइबर उस नीडल के अंदर अंदर चले जाते हैं और वो फिर अंदर जाके आपके अंदर एक इरिटेशन पैदा करती है, इंफ्लेमेशन पैदा करती है, सोजिश होती है और बाद में वो पी बन के सामने आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा काम कभी भी ना करें कि कपड़े के ऊपर से मैंने इंजेक्शन लगाना, कभी ना लगवाएं, ये डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। बात हो रही है हम लोग ऑफकोर्स नॉलेज ऑफकोर्स हमें लेनी चाहिए, हम लोग कुछ अपनी कोताहियों को फिर सारी जिंदगी झेलते हैं, तो ये जरा सा आप लोग भी एहतियात कीजिए, जब डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है लेकिन कुछ नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी जिंदगी को महफूज कर लेती है। डॉक्टर खुर्शीद अनवर हमारे दरमियान मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और बहुत सारे इन्होंने पेशेंट भी ऑफकोर्स लाइफ का एक जिंदगी का प्रोफेशन को एक जिंदगी का हिस्सा दिया, बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया, हजारों की तादाद में ऑपरेशंस किए। बात हो रही है हम लोग क्योंकि स्केलेटन की बात करें और मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कि बच्चों की जो है अगर कुछ लोगों की एक्स्ट्रा हड्डियां निकल आती हैं आपने देखा होगा उस प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, जैसे डबल नीज वो निकले होते हैं। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना उसके अंदर यह है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से उसके अंदर यानी कि चेंजेस आ जाते हैं। अगर 1 से 11 साल की उम्र तक यानी कि इसके अंदर चेंजेस नजर आए तो उसका हम रिकेट्स कहेंगे, और ये 11 साल से ऊपर वाले उम्र के लोगों के अंदर पेचे तो उसमें ऑस्टियो मलेशिया कहेंगे। इस होता क्या है कि इनकी वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से इनके यानी कि जो बोन एंड्स हैं वो खराब हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ पीरियड जो है ना वो भी रुक जाती है। तो इसलिए उनके अंदर एक डिफॉर्मिटी पर उनके हाथ से और पैरों के यानी कि बाजुओं के और टांगों के जो एंड्स हैं वो और नी ज्वाइंट से खासतौर पर वो थिक हो गए होते हैं यानी कि मोटे हो गए होते हैं, और उसके अंदर एक्सरे लेंगे तो उसके एपिफाइसिस पूरा डैमेज हुआ हुआ नजर आएगा आपको, अच्छा खासा नजर आएगा। तो उसके अंदर रिकेट्स ही उसको रिकेट्स कहेंगे, और उसको यानी कि आप उसके डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज जो है वो ट्रीट हो जाते हैं और 2-4-6 महीने के अंदर रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह ऑस्टियोमलेशिया इसी तरह ऑस्टियोमलेशिया है ना उसके अंदर भी कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, और खासतौर पे हमने ये देखा है जो खासतौर पे पर्दा ऑब्जर्विंग वुमेन्स है उसके अंदर ये ज्यादा होता है क्योंकि उनको सन एक्सपोजर कम से कम मिलता है, और कम मिलने की वजह से उनको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, और वो जगह जगह ना सीटो फ्रैक्चर जो है ना जगह जगह उन्होंने बनाए हुए होते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं, उनका चलना फिरना उठना बैठना एक दुश्वार उनसे मरहले से गुजरना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम लोगों ने इंडिकेशन ऑफ डिजीज वो हमने मेंशन कर दी कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स या कौन कौन सी कोताहियां हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा अब ये बताएं कि हमें न्यू बॉर्न बेबी ऑफकोर्स कैल्शियम हर किसी को जरूरत है, जब जानदार दुनिया में हमारे लिए आ गया बच्चा या बच्ची तो उसको जरूरत होगी, छोटे बच्चों के कैल्शियम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उनको क्या देना चाहिए, और फिर जब वो 3 साल के बाद मतलब बड़ा होता है उसको क्या जरूरत है, और 15 साल के बच्चों को और बड़ों को कितनी, ये जरा सब मुझे चाहती हूँ मैं ब्रीफ कर, ठीक है, क्या क्या खाना चाहिए। देखें 1 साल के बच्चे तक यानी कि हमें जो विटामिन डी की जरूरत है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए, और 1 साल से 70 साल तक हमें 600 इंटरनेशनल यूनिट्स उसको विटामिन डी के चाहिए, और 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट्स दरकार होते हैं। ये हमारी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है बॉडी की जो हमें पूरा करनी होती है, ठीक है। अच्छा ये जो हम बच्चों में क्या देना चाहिए, इनके डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं चीज़ योगर्ट
और मिल्क वगैरह, इससे आपको हो सकता है आपको, यानी कि जो फ्रूट्स हैं जिसके अंदर आपको एप्रिकॉट, आपकी कीवी, लीची, ब्लूबेरीज, पपाया, पाइन एप्पल्स, ये जो हैं इसके लिए बहुत मुफीद होते हैं, इसको लेना चाहिए। ऑरेंजेस खास तौर पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना चाहिए। सीजन वाइज फ्रूट्स, सीजन वाइज जो फ्रूट है उनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इस बीमारियों से इंशाल्लाह बचे रहेंगे। फिश का इस्तेमाल, और कम से कम फिश जो है आपको हफ्ते में 2 मरतबा लेना बहुत जरूरी है। और ज्यादा ना मिले तो आप डॉक्टर खुर्शीद साहब के पास चले, इनके करीब ही एक बहुत जबरदस्त बाबा फिश है, बहुत मजे किया डॉक्टर साहब, सच कह रही हूँ, बहुत ही जायकेदार फिश बनाता है बंदा। फिर फोर्टिफाइड फ्लोर्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, अगर इनको हम देते रहेंगे तो इंशाल्लाह डेफिशिएंसी नहीं होगी, बिल्कुल पक्का। अच्छा, जो एज फैक्टर जब ज्यादा हो जाता है तो एक जाहिर सी बात हमारे जिस्म में टूट फूट शुरू हो जाती है अबव द 50, तो उनको कैल्शियम कितनी रिक्वायरमेंट होती है? उनके अंदर कैल्शियम की जो जरूरत है वो हमें 1000 मिलीग्राम की उनको जरूरत होती है, और 1000 मिलीग्राम उसको हर सूरत में लेना है, और इसको यानी कि एट ए टाइम जो है ना वो 500 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें और सुबह और शाम ले लें, 500 सुबह और 500 रात को, ताकि इनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होकर हमारी इस रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या दांतों में दर्द, आंखों का कमजोर होना, या जिस्म में एक वो अजीब सी, जैसे कुछ एज वाइज हो जाते ना हमारे वो भी हैं, वो ऐसे मैक है लेडी, वो यूं यूं करके उनके हाथ कप कपाहट आती है कुछ चीज पकड़ते हुए भी, क्या ये सारी डेफिशिएंसी इंडिकेट करती हैं? ये जो है आपकी विटामिन डी जो है ना, जो आपने रेशे की बात की, तो वो उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है उसको वो डैमेज कर देती है, बेसल गैंग्लिया कहते हैं उसको, बेसल गैंग्लिया को विटामिन डी की कमी की वजह से डैमेज हो जाता है, और जब वो एरिया डैमेज हो जाता है तो एक तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, बाद उसको जो डिप्रेशन होता है, और दूसरा उसके अंदर रेशे की यानी कि पार्किंसोनिज्म जो है उसको डेवलप हो जाता है। इसी तरह इसकी डेफिशिएंसी से आंखें भी डैमेज हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आंखें भी डैमेज हो जाती हैं। होता है आईसाइड वीक हो जाती है, आईसाइड वीक भी होगी, डैमेज कानों का, कानों की समात वगैरह वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ कि वो बहुत कम उम्र से 3 साल के, तो उनने बड़े बड़े उनको ग्लासेस लगे, उनकी आईसाइड इतनी वीक है, और क्या हम इसको काउंट करते हैं कि बच्चे की कैल्शियम डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम हुई? ये जो आप बात करेंगे इसको तो आपको प्रॉपर यानी कि आपको मालूम करने के बाद ऑप्थोलॉजिस्ट जो है वो आंखों के जो डॉक्टर है वही आपको वही बता सकते हैं कि इसका रीजन है या नहीं, हो भी सकता है, वो भी बच्चों की कमजोरी, क्योंकि मेन वाकई में कैल्शियम जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बीन्स में, लोबिया, दालें, और इस हद तक आप कहेंगे कि ये मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ, ये टांगों का दर्द होता है ना, तो आप जो मसाला जात इस्तेमाल करते हैं यानी कि फिनोग्रीक जिसको हम मेथी दाना कहते हैं, अच्छा। और इसको सिनेमन जिसको ये दालचीनी कहते हैं, टर्मेरिक जिसको हल्दी कहते हैं, और ये तमाम कैप्सिसम जो है वो कैप्सिसिन वो जो आपको आपको हरी और लाल मिर्चों में मिलेगी, तो ये मिर्चें भी हमारे इन चीजों से भी हमारे काफी हद तक हमारी लहसुन अदरक भी बहुत अगर आप दूध के अंदर हल्दी डाल के टर्मेरिक डाल के डालें तो आपके लिए वो फायदा है, और अक्सर देखो अगर दालचीनी चोट लगती है तो फौरन यानी कि उसको हल्दी में दूध डाल के देते हैं, उसकी वजह यह है कि वो एक तो ऑक्सीडेंट है और यानी कि उस दूसरा हमारी सोजिश जो आती है इन्फ्लेमेशन उसको कम कर देता है, अंदर एंटीसेप्टिक हो गई ना हल्दी, तो वो अंदर जाके जो है वो जख्म वगैरह को वो फिल अप कर देती है, आपको तकलीफ से रिलीफ काफी हद तक मिल जाता है। और वैसे भी हर्बल चीजें जो है, हम तो वैसे ही नेचर से सर दूर हो गए, क्या कहते हैं पहले लोग कितना जौ, मकई, लस्सी, इन चीजों को, मक्खन देसी, अब तो वो मक्खन होता नहीं है। असल में अगर इन चीजों का आजकल मैंने देखा जो फैशन इस्तेमाल करते हैं, फैशन वो कहते हैं गुर्बतों की निशानी है, गुर्बत गरीब है तो इसलिए ये खा रहा है, और हम क्योंकि अमीर हैं तो हम यानी कि पिज्जा खाएंगे, ये खाएंगे वो पिज्जा खाना जो है ना, मैं समझता हूँ अगर मेरे बस में हो तो मैं उसको हराम करा दे दूँ, क्योंकि उसके अंदर जितनी यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और जो कुछ होते हैं जिससे हमारे दिल वगैरह जो है किस तरह से डैमेज होते हैं ना, आप सोच नहीं सकते कि उससे नुकसान हमें कितना पहुंचता है, लेकिन हम जेब से पैसे खर्च करके बीमारी खरीद के बड़ा खुश होते हैं, हमने जी आज पिज्जा फला जगह खा लिया और फला जगह खा लिया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। लेकिन वाकई में
पहले लोगों के सादी गजाएं थी लेकिन वो हेल्दी थे। ओमेगा 6 फैटी एसिड जितने भी हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा, वो हमारे लिए डेंजरस है, वो हमारे लिए हार्ट अटैक हो या हमारे स्ट्रोक का बायस बन सकते हैं, यानी कि फालिज जिसको कहते हैं, तो इस तरह से हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों को कोशिश करें, कम से हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा इससे। और डॉक्टर साहब आपने बताया था कि जैसे जौ का दलिया बहुत फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है उसको, वो कहते हैं हमारी हड्डियों की जो लेज है या हमारे वैसे न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है। हमारे जितने भी इस किस्म की सादी गिजाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन बात है कि आजकल आप देखें, आप पुरानी बात नहीं, शायद अगर 5-10 साल के अंदर आप पहले पर जाएं तो आपने देखा होगा हरी मिर्च को आप लें तो जरा से भी जबान में टच होती थी तो इंसान तड़प उठता था, लेकिन अब यानी कि पूरी भी आप खाते हैं तो आपको एहसास नहीं होता। इसी के लिए अब केमिकल कंपोजिशन इतनी चेंज होती जा रही है और इतना कुछ इस्तेमाल होता है, एक इसकी वजह से हमारे यानी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना उनका ना तो मजा रहा है और ना ही वो सेहतमंद। अच्छा मैं तो अक्सर देखता है लोग जो रेड़ी पे खड़े होते हैं सेब उठा के खा लेते हैं और कुछ नहीं होता, यूं खुबानी उठा के खा ली। अब इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, इनको यही नहीं मालूम कि ये चीज तो आप उठा के मुंह में डाल रहे हैं। अब वो लोग कार्बाइड जो है वहां होता है कार्बाइड के साथ, और कोशिश करनी चाहिए कि हम धोखे खाएं, लेकिन कुदरत ने एक निज़ाम रखा है कि उसके अंदर हमारे स्टमक के अंदर इतनी यानी कि उसके कुव्वत मुदाफियत है कि उसके जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो उड़ा देता है, तो इसलिए थोड़ी सी हमारी बचत हो जाती है। ये निज़ाम है कुदरत है, मैं इसमें कुछ नहीं कहता। हाँ लेकिन एहतियात, अच्छा ये तो दोनों तरफ से तकलीफ है ना, तो बंदे को एहतियात करनी चाहिए। लेट्स सी, हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। जाते जाते सर कोई मैसेज वगैरह आप देना चाहें? आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कांटे छोड़ते जाएंगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इस रास्ते पर लौ लुहान हो जाएंगी। हाय 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 क्या बात। अच्छा डॉक्टर साहब नेक्स्ट जब आप थर्सडे को आएंगे तो आपके जहन में क्या ऐसा टॉपिक है ताकि हमारे नाज़रीन, आप ये तो मुझे आप बताएं कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है ताकि मैं अकॉर्डिंगली उसको डील कर दूं, ताकि जो कॉमन बर्निंग इश्यूज हैं उसके ऊपर बात कर लें। बिल्कुल इस पे भी बात करेंगे और मैं खास तौर पे रीढ़ की हड्डी पे बात करूंगी और इसके जो पसलियां भी, जैसे एक्सीडेंट होता है अक्सर लोगों की आगे की पसली और ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। देखिए पहले अगर आप पूरी स्पाइन को यानी कि अगर आप थोड़ा सा डिवाइड कर लेना तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। शुरू के 12 मोरे जो है वो आपको डॉर्सल स्पाइन कहलाएंगे, डॉर्सल स्पाइन कहलाएंगे, और जो निचले के 5 मोरे हैं वो आपको लंबर स्पाइन, हम इन मोरों की बात करें। हाँ तो लंबर यानी कि ये जो लंबर स्पाइन और यानी कि वो डिपेंड करता है कि इनमें अंदर। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रेम बनी हुई कुछ पिक्चर हो जहाँ पर ताकि आप स्टिक से बता सके, पता क्या जितनी हम लोग अच्छे तरीके से ब्रीफ होते हैं लोगों को समझ में आता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पर हम अपने आप को बेहतर तरीके से हम अपना पोस्चर जो है वो राइट वे में लेके जाएं ताकि हमें आगे चल के, और फिर उसके साइड इफेक्ट बताएं कि आपकी ये जो हड्डी अपनी जगह से हट जाती है बार बार हिट होने से उसके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं। आज आपने बहुत ही बर्निंग इशू छेड़ा था इसके अंदर, यानी कि एक सिटिंग के अंदर ये मुकम्मल नहीं हो सकता, सिर्फ एक ब्रेन को ही अगर मैं ले लूं तो 5-6 घंटे तो मुझे उसके लिए आप डिपेंड आप देख लीजिएगा दोनों में, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ पिक्चर प्रोफाइल में ले आइए जो भी ब्रीफ करें। स्पाइन के अंदर बेशुमार प्रॉब्लम है, एक जमाने में यानी कि जो स्पाइनल सर्जरी थी वो हम ऑर्थोपेडिक्स ही करते थे, लेकिन अब थोड़ी सी बाइफरकेट होता जा रहा है, अब स्पाइनल सर्जरी जो है वो न्यूरो सर्जन कर रहा होता है, हम नहीं करते। अच्छा इसी तरह नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के दैट स्पेशलिस्ट है। मैं आपके क्लिनिक जाती हूं ना तो वो जो पिक्चर लगते तो मुझे बड़ी होती है ना, हमारे कहां लगाएं कैसे लगाएंगे, नहीं आप फ्रेम होगा ना तो यहीं रखेंगे हम, यहीं पे इसको ब्रीफ करेंगे, कैमरा उसको फोकस कर लेगा, डोंट यू वरी। आपके पास आप पेपर पे ना उसको फ्रेम करवा लीजिएगा या फ्रेमिंग ले आएगा, उसमें क्या होता है हम जब देखते हैं ना हम कहते हैं हमारे अंदर ये इसी, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानता है उससे मालूम है, हमें तो नहीं मालूम है कि हमारी गलतियां जो है ना फिर और अच्छा ब्रीफ बोर्ड पे और इस तरह से बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। हाँ। और एक एक चीज जैसे मैंने आज आप लोगों को बताया तो आप लोगों के वैसे शायद हो सकता है सर से गुजर गई हूँ मगर मैंने फिर भी सुपरफिशियल गया, मैं इसके डेप्थ पे नहीं गया, लेकिन हमारे पास पिक्चर अगर होगी ना तो वो ज्यादा आसानी। हाँ डेप्थ के अंदर नहीं गया क्योंकि इसके अंदर डेप्थ के अंदर जितना जाओ ना आप उसके अंदर उतना ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। कुछ लोग ना एक गलती से मिस्टेक से, जैसे मैं एक बैठने की फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होता है वो हड्डी ना अपनी जगह छोड़ के
उस जगह पे आ जाती है, जो बंदा कंप्यूटर में जैसे कैसे बैठा है, यूं बैठा है या झुक के बैठा, तो उसकी हड्डी आहिस्ता आहिस्ता मूव करने शुरू होती है। इसी तरह चलने में भी कोई बंदा अगर गलत तरीके से चल रहा है तो उसकी भी पोस्चर चेंज हो जाती है, पोस्चर चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये मैं इतना बता दूं, इस हमारे स्पाइनल वर्टिब्रा, इस वर्टिब्रा जो है अल्लाह पाक ने इतना स्टेबलाइज किया हुआ है कि इतनी आसानी से वो खिसकते नहीं है एक जगह से अगर एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, उसके अंदर दो सूरतें, एक है कि आपका रेलवे एक्सीडेंट्स हो जाए यानी कि हाईवे एक्सीडेंट्स हो जाए तो उसके अंदर, और एक ऐसा स्टेज भी आती है कि आप देखेंगे स्पाइन को देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगी, उसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके चारों हाथ पैर जो है ना वो जवाब दे चुके होंगे। उसको इस तरह से कि उसको इतना थ्रस्ट से पीछे से हिट किया गया है उस गाड़ी को कि उसका एक मोरा अपनी जगह से यूं निकला और फिर अपनी जगह पे वो वापस आके चला गया, और इसके हाथ ही उसने स्पाइनल कॉर्ड को काट दिया, और काटने के बाद वो पूरे पूरे चारों हाथ पैर उसके पैरालाइज हो चुके होते हैं। ये अनयूजुअल, यानी कि कभी कभी ऐसा भी बड़े एक्सीडेंट्स के अंदर वो सारी जिंदगी फिर अपाहज की जिंदगी गुजारता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिनो शो, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, मुझे इनवाइट किया, मैं बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि अपने नाज़रीन को मुख्तसर बातें करके उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करूं। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को फिर जिंदगी फिर मुलाकात होगी। जी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब मौजूद थे और बहुत सीनियर सर्जन है, बहुत अच्छी अवेयरनेस हमें दी, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ताकि हम आपको अवेयर कर सके। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर लेंगे ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन आप देखें पीबीआई का स्पेशल एक बिगेस्ट इवेंट हुआ था उसका पैकेज, और यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी।